इस सेकंड एग्जांपल में मुझे एक्चुअल में कैलकुलेट करना है अपनी तमाम पेप्सी की सेल्स को। आप देख सकते हैं कि मेरे पास तीन डिफरेंट फील्ड्स हैं, जिसमें पहली फील्ड में मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जिसमें पेप्सी 250 ml है, पेप्सी 500 ml है, पेप्सी 1 लीटर है, 1.5 लीटर है, 2 लीटर है, और ये प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट मंथ के अंदर सेल हो रही है, और इन मिलियन जो है वो एक्चुअल में उसने रेवेन्यू जनरेट किया है। अब पॉइंट ये है कि मुझे पेप्सी की सेल्स को यहाँ पर एक्चुअल में जनरेट करके दिखाना है। प्रॉब्लम ये है कि पेप्सी मेरे पास यहाँ पर 250 ml में भी है, 500 ml में भी है, 1 लीटर में भी है, तो मैं तमाम मुझसे कहा गया कि पेप्सी की रेवेन्यू को जनरेट कर दे आप तमाम मंथ के अंदर, कितने मिलियन जनरेट रेवेन्यू जनरेट किया है, और उसकी जो ml है, लीटर्स है, उससे कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। तो ये काम बहुत आसान हम कर सकते हैं सम इफ के जरिए ही। हमने फंक्शन अप्लाई किया इक्वल टू सम इफ एंड देन ब्रैकेट ओपन, रेंज कहता है बताइए। मैंने कहा कि प्रोडक्ट की हमने रेंज बना दी कॉमा, प्रोडक्ट के अंदर अब क्राइटेरिया कहता है कि क्या चीज़ एक्चुअल में हमें ढूंढनी है, तो हमने इस प्रोडक्ट में से पेप्सी को ढूंढना है, सो मैंने पेप्सी यहाँ पर टाइप किया। अच्छा, अब जो मैं पेप्सी लिख रहा हूँ, ये कौन सी पेप्सी है? पेप्सी 250 है, 500 ml है, 1 लीटर है, 1.5 है, कौन सी पेप्सी है ये तो पता नहीं चल रहा। तो अगर मैं पेप्सी के बाद स्टार लगा दूँ, तो इसका मतलब है कि तमाम पेप्सी की बात हो रही है यहाँ पर, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर, कुछ भी। तो ये एक आपका वाइल्ड कार्ड सॉर्ट ऑफ कहलाता है, कि जब आप चाहते हैं कि पेप्सी शुरू के अंदर वर्ड पेप्सी हो और बाद में कुछ भी हो, तो आपने स्टार लगा दिया इन बिट कॉमा क्लोज एंड देन कॉमा। तो रेंज में से पेप्सी को ढूंढें, चाहे बाद में कुछ भी हो, 250 ml हो, 500 ml हो, कुछ भी हो, और क्या करें, सम रेंज करें। सम रेंज के लिए हमने सेल्स को सेलेक्ट किया, और फाइनली हमने कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस किया। आप देखें हमारे पास पेप्सी की सेल्स निकल कर आ गई। अब इसी तरह से कोक की सेल्स देखना चाह रहे हैं, सो हमने फंक्शन अप्लाई किया इक्वल टू सम एफ्स, आई एम सॉरी, सम एफ ब्रैकेट ओपन, रेंज बना लें, हमने डाटा की रेंज बना ली, कॉमा, क्या चाहते हैं आप? हमने कहा कि इसमें से आप कोक को चेक करें, हमने कोको कोला यहाँ पर टाइप किया, सॉरी, एंड देन कोको कोला के बाद हमने स्टार लगा दिया कि शुरू में कोको कोला होना चाहिए, बाद में कुछ भी हो, इनविट कॉमा क्लोज कॉमा, और क्या करें जब कोक को ढूंढ ले, तो हमने कहा कि उसकी सेल्स को काउंट करके हमें दिखा दें, सो हमने सम किया और कोक की सेल्स हमारे पास आ गई। अब दूसरे सिनेरियो में हमारे पास कोक पेप्सी और कोक की सेल्स को सेपरेट करना है जैन फैब मार्च में, तो ये सम इफ से नहीं हो सकता, बिकॉज के यहाँ पर मल्टी क्राइटेरियाज है। जब सिंगल क्राइटेरिया था, यानी सिर्फ कोक की सेल्स देखनी थी, तो हमने सम इफ यूज़ किया, लेकिन जब मल्टीपल क्राइटेरियाज आ गए, तो अगेन अब हमें सम इफ्स को यूज़ करना होगा। सो मैं क्विकली ज़रा सा सिर्फ पेप्सी और कोक जनवरी के साथ काम करता हूँ, और ऑफ कोर्स फिर आप समझ सकते हैं कि वो फरवरी और मार्च में भी सेम ही फार्मूला अप्लाई होगा। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल टू सम इफ्स एंड ब्रैकेट ओपन। आप देखें सम इफ ने दोबारा से हमसे वही सवाल किया कि न्यूमेरिकल डाटा बताइए, सम रेंज बताइए, किस न्यूमेरिकल डाटा को आप सम करना चाहते हैं। तो मैंने तमाम न्यूमेरिकल डाटा को रेंज में ले लिया एंड देन कॉमा। इसके बाद हमसे कहता है क्राइटेरिया रेंज बताइए, क्या चाहते हैं आप? तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रोडक्ट में से पेप्सी को ढूंढे, तो मैंने तमाम प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया एंड देन कॉमा, और इसमें से क्राइटेरिया वन क्या है, एक्चुअल में हमारा क्राइटेरिया है हमारी पेप्सी, सो मैंने पेप्सी सेलेक्ट की स्टार और देन इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड देन कॉमा। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू में, चूंकि हमें सिर्फ जनवरी की सेल्स देखनी है, तो इसलिए मैंने सेकंड क्राइटेरिया के अंदर सिर्फ मंथ को सेलेक्ट किया, और मंथ में से मुझे एक्चुअल में जैन की सेल्स देखनी है। अब जैन में या तो मैन्युअली इन्वर्टेड कॉमा में हाथ से लिख दूं, या फिर मैं इस जैन के सेल पर क्लिक करूं बाद की है। सो मैंने यहाँ पर फिलहाल जनवरी हाथ से लिखा हुआ है, और मैंने रेंज बना ली है, और मैं कुछ सेल्स को एब्सोल्यूट भी कर देता हूँ, ताकि जब मैं सॉरी ताकि जब मैं इसे ड्रैग करूँ, तो मेरी कुछ चीज़ें एब्सोल्यूट रहें, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम ना आना चाहिए। कोक के लिए एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूँ। सो मैंने कहा कि सेल्स को एब्सोल्यूट कर दिया,
और मैंने कहा कि B3 से B32 के दरमियान पेप्सी को ढूंढे, और मंथ में जनवरी होना चाहिए। सिंपली इंटर, सेम फार्मूला कॉपी पेस्ट करते नीचे, लेकिन अब की बार मैं पेप्सी की जगह यहाँ पर सिर्फ क्राइटेरिया में कोक कर देता हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें सब तो वैसी ही हैं। ये हमारे पास कोक की सेल्स आ गई। नेक्स्ट, अगर मुझे सिर्फ ML पेप्सी की ML की कैलकुलेशन चाहिए, अब क्राइटेरिया अगेन दो हैं, ML और पेप्सी, तो फंक्शन अगेन दो ही सम एफ्स का ही अप्लाई होगा। सो हमने किया इक्वल्स टू सम एफ ब्रैकेट ओपन, किसे कैलकुलेट करना है, हमने रेवेन्यू को सेलेक्ट किया, और रेवेन्यू को कैलकुलेट कैसे करें, हमने कहा कि प्रोडक्ट में ढूंढे पेप्सी को, सो तमाम प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, और इसमें से हमको ढूंढना है पेप्सी। पेप्सी के बाद स्टार, क्राइटेरिया क्लोज, देन कॉमा, रेंज में हमने कहा, ओह आई एम सॉरी, अब हमने कहा कि पेप्सी के अंदर ML लीटर कुछ भी हो, पेप्सी स्टार ML, ठीक है। और अच्छा, ये काम हम लोग सम इफ से भी कर सकते हैं, इफ्स की हमें ज़रूरत नहीं, बिकॉज के इसमें क्राइटेरिया एक ही है, पेप्सी का ML होना चाहिए। तो हम फंक्शन अप्लाई करते हैं इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज बता दें, हमने प्रोडक्ट की रेंज बता दी, और प्रोडक्ट की रेंज में से हमें एक्चुअली सर्च करना है पेप्सी ML को। सो हमने लिखा पेप्सी स्टार ML इनविट कॉमा क्लोज एंड देन कॉमा, और रेंज हमने बता दी न्यूमेरिकल डाटा, रेवेन्यू जनरेट करना एंड देन फाइनली इंटर। ये हमारे पास पेप्सी ML की टोटल कैलकुलेट रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है। रेंज को मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ ताकि मैं इसे कोक के लिए भी इस्तेमाल कर सकूँ, और मैंने कॉपी किया इसे पेस्ट, और क्राइटेरिया में जाकर सिर्फ कोको कोला टाइप कर दिया, कोको कोला स्टार ML, बीच में कुछ भी हो लेकिन लास्ट में ML होना चाहिए, एंटर। ये कोको कोला की सेल हमारे पास आ रही है, और सेम तरीके से हम लीटर की सेल्स को भी यहाँ पर निकाल सकते हैं।